हेलो गाइस, बात करने वाले हैं आशा सिंह के बारे में। आशा सिंह की अगर हम बात करें तो आप लोग को ये जोड़ी देखने को मिली थी आशा सिंह की, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी नील और आयशा की जोड़ी। फर्स्ट टाइम आशा सिंह का ये शो था जहाँ पर वो एज ए लीड देखने को मिली थी, डेब्यू शो उनका बोला जा सकता है, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया उनका इस सई का कैरेक्टर। फिलहाल उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर आए दिन बातें सामने आ रही हैं और फाइनली वो नज़र आने वाली हैं बहुत ही जल्द एक बार फिर से न्यू शो के अंदर अपने चुलबुले अंदाज में। जी हाँ, जहाँ पर उनके अपोजिट नज़र आने वाले हैं शिवम खजौरिया, जो कि टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कुछ खास पहचान उन्हें नहीं मिली है। बहुत सारे शो कर चुके हैं तो ऐसे में इस शो से काफ़ी उम्मीदें हैं। शो का टाइटल डिसाइड किया गया है प्रेम कहानी, जहाँ पर वो बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं, तो अभी इस शो का हिस्सा बनती हुई नज़र आ सकती हैं आशा सिंह, जिसका प्रोमो बहुत जल्द रिलीज़ हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले कलर्स टीवी शो को लेकर बातें सामने आई थी, जो कि सुमन इंदौरी शो रिलीज़ ही हो चुका है। ऐसे में अब आशा सिंह के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें सामने आ रही हैं, जिसका प्रोमो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये जोड़ी जो है फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगी टीवी पर्दे पर, किस तरीके का रिस्पॉन्स ऑडियंस देती हुई नज़र आएगी ये तो वक्त बताएगा। अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि जोड़ी को कैसा रिस्पॉन्स ऑडियंस दे पाएगी। हालाँकि आशा सिंह ने इतने लंबे टाइम के बाद कोई प्रोजेक्ट चूज़ किया है तो ज़रूर इसमें कुछ खास बात ज़रूर होगी। यहाँ पर उनका जैसा सही का अंदाज़ था, कहीं ना कहीं वैसे ही अंदाज़ आपको देखने को मिल रहा है। एक बहू का कैरेक्टर भी रहेगा, साथ ही साथ एक प्रेमिका का भी कैरेक्टर रहने वाला है, तो इस तरीके के कैरेक्टर को बैलेंस करके वो चलने वाली हैं शो के अंदर। जो प्रोमो रिलीज़ होने के बाद स्टोरी काफ़ी कुछ क्लियर होती हुई नज़र आएगी। प्रेम कहानी जिस तरीके से शो का टाइटल है, तो यहाँ पर लव रोमांस तो होने ही वाला है, एक रोमांटिक ड्रामा शो होने वाला है, तो ऑडियंस का रिस्पांस तो अच्छा आने ही वाला है। कमेंट करके आप लोग भी एक्साइटमेंट बताइएगा इस शो के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।